दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में 6 से 12 जुलाई तक 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके संबंध में रसायन विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा यादव ने बताया कि एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी इन केमिकल साइंसेज विषय पर आयोजित वर्चुअल कार्यशाला में देश विदेश के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आरएन प्रसाद, एडवाइजर एवं पूर्व अध्यक्ष इंडियन केमिकल सोसाइटी कलकत्ता होंगे। मुख्य संरक्षक प्रोफेसर राजेश सिंह कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र सुबह 11 बजे से किया जाएगा। इस कार्यशाला में संरक्षक प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय, संयोजक प्रोफेसर सुधा यादव अध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग समन्वयक प्रोफेसर उमेश नाथ त्रिपाठी रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विभाग की अध्यक्ष व कार्यशाला की संयोजक प्रोफेसर सुधा यादव ने कहा। मैं प्रोफेसर सुधा यादव, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, आप सभी को सूचित करना चाहती हूँ कि विभाग में एक 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है, जिसका कि टॉपिक एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी इन केमिकल साइंसेज है। इस कार्यशाला का उद्घाटन कल दिनांक 6 जुलाई 2021 को प्रातः 11 बजे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होना है, जूम के थ्रू। इस कार्यशाला में सभी जो है पीजी स्टूडेंट्स और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए की जा रही है, जिसके कि उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आरएन प्रसाद, सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता हैं। इसके अलावा अनेक विशेषज्ञ स्पीकर्स भी इस कार्यशाला में जुड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे बीज वक्तव्य दिया जाएगा प्रोफेसर एनबी सिंह के द्वारा, जो शारदा यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर इमेरिटस हैं और इस विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं पुरातन छात्र भी रहे हैं। प्रोफेसर एनबी सिंह के अलावा दूसरे सत्र में प्रोफेसर निजामुद्दीन का वक्तव्य होगा, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय और अपने फील्ड के जो है स्पेशलिस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट रहे हुए हैं। इनके साथ साथ विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञ टीचर्स के जो है व्याख्यान होंगे और विषय विशेषज्ञ जुड़ेंगे हमारे साथ, जिसमें कि प्रोफेसर हरिजी सिंह, प्रोफेसर एस के अवस्थी, प्रोफेसर उमा शर्मा उज्जैन से, प्रोफेसर एस के सेनगुप्ता, प्रोफेसर राजीव प्रकाश आईआईटी बीएचयू से, प्रोफेसर एपी मिश्रा सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय से, डॉक्टर श्याम सुधीर पाठक जो कि जापान से अपने विशिष्ट व्याख्यान देंगे, साथ साथ डीआरडीओ से डॉक्टर अनिल मिश्रा का विशिष्ट व्याख्यान इस गोष्ठी में होने वाला है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत बहुत लाभकारी होगा। इसके साथ साथ प्रोफेसर पवन शर्मा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एवं अंतिम सत्र में प्रोफेसर अनिरुद्ध सिंह का व्याख्यान होगा, जो कि बहुत ही सभी विद्यार्थियों के लिए केमिकल साइंसेज में क्या एडवांसमेंट इस काल में चल रहा है, जो पैंडमिक काल चल रहा है, इसके बारे में सभी जानकारी उनको विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया प्रोफेसर राजेश सिंह की जो एक संकल्पना थी कि सभी विभागों में एडवांस रिसर्च पे स्टूडेंट्स के बीच में एक कार्यशाला आयोजित की जाए, उसको सक्सेसफुल करने के लिए विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये कार्यशाला रसायन विज्ञान विभाग में आयोजित की जा रही है। धन्यवाद।